सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है कि वारंट गिरफ्तारी जो है वो पहले से इशू कर दिए गए हो और तफ्तीश के लिए बाद में बुलाया जा रहा हो, क्या फरमाइएगा? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी कि ये बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी और तमाम हकूमती तर्जमानों की तरफ से भी ये बड़ी क्लैरिटी से बताया जाता है कि नैब जो है वो टोटली एक इंडिपेंडेंट अदारा है और गवर्नमेंट का उसके ऊपर ना कोई इन्फ्लुएंस है ना गवर्नमेंट जो है वो उसके मामलात में दखल देती है। और ये नैब इन्हीं लोगों के बनाए हुए अदारे हैं और आज जो नैब के जो भी ऑफिसर्स हैं वो इन्हीं लोगों के हाथों के लगाए हुए ऑफिसर्स हैं और इन्हीं के ही दौरे हुकूमत में ये सारे लॉज बने थे। इसमें कोई शक नहीं कि नैब में बहुत सारी उसके लॉ के अंदर चीजों में रिव्यू करने की जरूरत है, उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है, मगर ये इन्हीं लोगों की बनाई हुई चीजें हैं। और जहां तक शहबाज शरीफ साहब की बात है कि जिस तरह से आज नैब के तर्जुमान ने वहां बताया भी है कि हमारे पास इनफ एविडेंस इकट्ठा हो गया था तो इसलिए हम लोगों ने शहबाज शरीफ साहब के वारंट इशू किए थे, और इसमें देखें कोई शक वाली बात है भी नहीं कि जो एसेट बियॉन्ड मीन्स है कि अगर आप शहबाज शरीफ साहब के या उनके बेटों के एसेट्स उठा के देखें तो पिछले कुछ सालों में उनमें कई कई 100 गुना इजाफा हुआ है। ये किस तरह से इजाफा हुआ है इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा, और अगर नैब ने ये स्टेप लिया है तो उसके पास इनफ एविडेंस था तो वो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में नैब भी वो एविडेंस पेश करेगी। मगर ये तो फैक्ट्स और फिगर्स और उनकी जायदादें अगर आप देखें, यहाँ पर देखें, मुल्क के बाहर देखें, सलमान शहबाज के एसेट्स देखें, उनकी बेगमों के एसेट्स देखें, उनके अपने देखें, तो उसमें कोई दुगना तिगना चौगना नहीं बल्कि कई कई 100 गुना इजाफा हुआ है। ये सारे फैक्ट्स जो है ये शेयर हो चुके हुए हैं मीडिया के ऊपर।